डेवलपमेंट फील्ड बोल के इसका मकसद क्या है बोले तो आपको मोटिवेशन करना। मिसाल के तौर पर फर्ज करो आप जो है पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, अच्छा अब आप पास होना है नहीं पास होना है, पास होना मतलब सिर्फ पढ़ लिया तो पास होना नहीं, या फिर आपको मोटिवेशन भी करना है, मोटिवेशन करना है। ये मोटिवेशन के ताल्लुक से, मोटिवेशन देने के ताल्लुक से जो है ये फील्ड ऑर्गेनाइजेशन की जानब से हैदराबाद से चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, हैदराबाद से चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स जनाब जलील खान साहब हैं, आपके आपसे मुखातिब करेंगे इंशाल्लाह। और उनके साथ साथ हमारे जोनल सुपरिटेंडेंट कलून से जो है हमारे यासिर साहब भी आप आते हैं इंशाल्लाह, वो भी आपसे मुखातिब करेंगे और आपको एग्जाम्स के लिए अच्छे अच्छे टिप्स बताएंगे और आपको एग्जाम के लिए तालीम करेंगे और इंशाल्लाह आप जो है अच्छे नतायज हासिल करने के लिए मतलब मुतालिब करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे खास जिम्मेदार साहब हैं, उनका नाम जो है जनाब मोहम्मद अली साहब, ये इस डिस्ट्रिक्ट के जो है इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर मतलब पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, मतलब ये जो आर्मी इदारा है ये इदारे के मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर हैं। अब मैं जो है हमारे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जनाब जलील साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपसे मुखातिब करें। अलैकुम बच्चों, अभी आप वारिस साहब से तफसील कार सुन रहे हैं। दरअसल हम लोग फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का है, हमारा असल मकसद क्या है, पिछले 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, ये अलग बात है। हमारे आपके स्टेट तक आपके जोन तक पहुँचने के लिए काफ़ी वक्त लग गया है हमें, वरना तेलंगाना में हम पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, सिर्फ तालीमी मैदान में काम कर रहे हैं। खैर मैं तमाम तफसील सुनाते नहीं करूँगा क्योंकि अभी और भी स्कूल को जाना है, आप लोगों से सिर्फ डिस्कस मैं ये करूँगा कि आप 10th क्लास के लिए 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए कैसा प्रिपेयर हो रहे हैं। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें से 10x10 GPA कितने लोग लाना चाह रहे हैं, हाथ बढ़िए, एक स्कूल में पूछा मैं आप लोगों में से कितने लोग डॉक्टर करना चाह रहे हैं, तो पूरे हाथ उठाए, बोला कंडक्टर नहीं बोलूँ डॉक्टर, इतना आसान नहीं है, 10x10 हमसे पूरे हाथ उठाए ना, माशाल्लाह आप लोगों ने जो इतना बड़ा जो इतना टारगेट सेट किया है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी कितनी करना है वो बता रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ 10x10 लाना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए जितना ज़्यादा जो इतना आप टारगेट बड़ा सेट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर क्या नाम है बेटा आपका, सोहेल क्या सोहेल को बोला मैं, एक यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है पैर में, तो भी डाल दिया, बोला बेटा ये पैरों में आ रहा इधर एक पैर पे लोग पत्थर लेके कैसा फेंकेंगे, ऐसा फेंकेंगे क्यों उनको टारगेट यहीं पर फेंकना है ना, ऐसा फेंकेंगे क्या लेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, अरे तो क्या होगा इनको कल अच्छे थे ना, मुझे सोचेंगे ना आप लोग बढ़ जाओ क्रिकेट खेलते ना आप लोग, बैट्समैन के लेफ्ट साइड राइट साइड पे तो स्लिप पे प्लेयर्स रहते, बैट्समैन हिट करते हैं हरी में पकड़ लिए तो कीपर को देने के लिए ऐसा फेंकता, उसकी बजाय सोहेल बाउंड्री पे ठहरे हुए हैं, एक बैट्समैन जो अपना हिट करा सिक्स जाते जाते बचा रोक लिया उस सिक्स को, अब उसके बाद बॉल ले लेके कीपर के पास ऐसा फेंकते ज्यादा ऐसा पूरा फोर्स लगा के ऐसा फेंकते, तो आपका टारगेट है 100% 10x10 GPA, फिर स्कूल का जो अपना रिजल्ट 100% लाना चाह रहा है, तो आपको मेहनत ऐसे करना पड़ेगी क्या ऐसे, तो उसके लिए आप पहले सबसे पहली शर्त फर्स्ट कंडीशन अगर आप 10x10 GPA लाना चाहते हैं तो पहली जो अपना शर्त ये है कि आप पंक्चुअल होना है, एक भी दिन आप आएंगे पंक्चुअल, कितने पंक्चुअल हैं आप लोग, हमारा स्कूल 12 जून को स्टार्ट हुआ, आज क्या तारीख है 10 अगस्त है, 12 जून से 10 अगस्त तक एक भी दिन ऑब्सेंट नहीं होता था बच्चे हाथ उठाइए, एक भी दिन ऑब्सेंट नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 कैसा आ सकता है 100% रिजल्ट, बोलिए अगर हमारी अटेंडेंस 100% नहीं है तो रिजल्ट को कैसा हम जो अपना एक्सपेक्ट करेंगे कि 100% रिजल्ट आएंगे, तो अगर 100% रिजल्ट आना चाह रहे हैं 10x10 GPA मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो आपकी अटेंडेंस को 100% होना मस्ट जरूरी है। खैर आप जो चलेगा वापस तो नहीं आता ना, जून को जुलाई को वापस ला ले सकते हैं, तो आप नहीं ला सकते ना, चलो चलेगा, अब बचे हुए टाइम को हम कैसा यूटिलाइज करना है कि हम 10x10 GPA को कॉन्फिडेंस के साथ मैं ला सकती हूँ, आपके अंदर वो हिम्मत पैदा होना मिले, तो अब ये बचे हुए टाइम को हम
अच्छे जो है ना अंदाज में एक शेड्यूल के हिसाब से अगर जाएंगे तो बराबर टेन बाई टेन। दूसरा जो हमको सोचना है 10x10 तक पहुंचने के लिए जो अपने आप को चेक कर लेना है वो लेवल तक पहुंच सकती हूँ या नहीं, पहुंच सकता हूँ नहीं, वो टारगेट को रीच कर सकती हूँ नहीं, तो उसके लिए पहले अपने अंदर कुछ ग्रूप नहीं है, कमजोरियाँ हैं क्या, खामियाँ हैं क्या, वो चेक कर लेना। अगर कुछ हमारे अंदर कमजोरियाँ हैं तो पहले चेक कर लेना, उसको दूर कर लेना पहले। अरे हमारा बराबर जो अपना डिक्टेट कर रहा है तो लिखने नहीं आ रहा, राइटिंग बुरी बुरी है, 10x10 की जला, तो पहले हम अपने आप को क्या चेक कर लेंगे, नाम बड़ा आपका परवीन, आपका परवीन, अपने आप को चेक कर लेना है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है या नहीं है, फिजिकल साइंस या कोई भी एक उर्दू में लिखे हुए एक पे जरा आप पढ़ के सुनाइए, ये पढ़िए बोले तो फर 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 पढ़ दिए तो समझना कि आपकी राइटिंग अच्छी है, सामने वाले कोई भी पढ़ सकते। आप अच्छी तैयारी करें, पेपर लिखे बुरी हैंड राइटिंग में करेक्शन करने वाले को समझ में नहीं आ रहा है ये उर्दू है क्या फारसी है, परेशान हो जाएंगे उन्होंने, तो आपको 10x10 जी के मार्क्स नहीं आ सकते। पहली कमजोरी हमारे अंदर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो दुरुस्त कर लेना। आप सोच रहे होंगे पिछले 10 साल से स्कूल पर आ रहे हो हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हुई, आप क्या होती हमारे होने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहें अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होना, मोती हो जैसी होना, या बाहर लिखा हुआ जो पेंटर लिखे गया वैसी हैंड राइटिंग होना आप, तो सिर्फ 1.5 महीने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके लिए क्या करना है आपको, आप क्या करेंगे अपने साथियों में जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, नीट है, या फिर आपके टीचर से पेज राइटिंग जो 4th-5th क्लास में सफा लिख के ला देते हैं वैसा 45 days 1.5 महीना आप रोज एक सफा लिखिए। उसके बाद ये 45 दिन गुजरने के बाद आप अपने फेयर नोट्स निकाल के आपके फिजिकल साइंस के टीचर को बताएं ये मेरी कापी है, उनके पन्न बताएं अब ये किससे लिखें सर्वे करो, ये आपकी हैंड राइटिंग तो नहीं होती इतना अच्छे था आप, आपकी 45 days पहले जो राइटिंग थी अब मेहनत करने के बाद जो राइटिंग है आपके टीचर आपको ऐसे नहीं करेंगे नहीं नहीं किसी दूसरों की राइटिंग है, इतना चेंज ला सकते हैं हम तो बदलने देते हैं, हमको उतनी दिलचस्पी नहीं है, उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, हमारा फोकस खालिस एजुकेशन, खालिस आपका जो है बोर्ड एग्जाम होना है, तब आप 10x10 नीचे ला सकते हैं सोचते हैं। ये हम क्या करते हैं मालूम है, क्या हुआ रिजल्ट आ गया, अच्छी तैयारी करे आ गया, क्या हुआ उन्हें पास होते साहब उर्दू में तेलुगु में इंग्लिश में सब में पास हो, मैथ में फेल हो क्या हुआ, मैथ में फेल हो क्या हुआ, मैथ में फेल हो सब में 9 GPA 9.5 GPA 9.3 GPA मैथ में आगे छोटा नंबर से फेल हो क्यों हो रहा है ऐसा, मैथ कुछ कहीं को हम बहुटा बना लें, जब तक सब में ईजी सब्जेक्ट सब में इंटरेस्टेड सब्जेक्ट अगर जो है तो मैथ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो उसके उत्तर बोरिंग सब्जेक्ट कुछ नहीं है, आपके कान जो है ना अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो आपके टीचर की आवाज़ की बजाय बेल की तरफ लगे हो रहते हैं, ये 40 मिनट कब खत्म होते हैं कब घंटा बचता है ये मैथ के टीचर यहाँ से चले जाते हैं, अगर समझ में आ तो 40 मिनट एक 4-5 मिनट में खत्म हो गया था, ये घंटा इतना छोटा क्यों होगा और भी करा रहा तो हम और कर सकते थे। आप लोग कभी मछली पकड़े शिकार हुए नहीं हुए छोटे हुए जो करे हैं उनसे पूछिए, या फिर अगर खाली देखे हैं अभी तो अगर गल डाल के बैठे मछली थोड़ी देर के बाद मछली मारते मछली अच्छी बड़ी होती है कितनी खुशी होती है हमारी बहुत खुशी होती है। अगर आपको एक मैथ का क्वेश्चन बता दिए बता के बोले सेम क्वेश्चन आपको करना है खाली उसके अंदर वैल्यूज चेंज कर दें प्लस माइनस साइन चेंज कर देंगे स्क्वायर की बजाय क्यूब लगा दे जरा करके बताओ जो पक्का समझे हैं उसको फटाफट करके जान में ला के खड़ा रहा था चक्कर और जवाब आते उसका आंसर आते हैं तो कितनी खुशी होगी मालूम है, जैसा वो मछली पकड़ने वाले मछली मिली तो खुशी होगी ना ठीक उसी तरह से आपको सही आंसर मिल गया तो उतनी खुशी लेकिन हम उसको बहुत हार्ड सब्जेक्ट समझ के चलते हैं। इसकी वजह क्या है मालूम, अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास में रहे तो मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ अगर पूरा जो अपना कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरे क्लास में अटेंड करें तो ना आपको स्पेशल क्लास की जरूरत पड़ती है ना आपको घर जो है ट्यूशन की जरूरत पड़ती अगर क्लास में जो भी बताया जा रहा पूरा सुनिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा क्यों, हम इतनी तवज्जा नहीं ले रहे हैं हमारे अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं समझ नहीं आ रहा आपको जो है ना अभी बता रहे थे मैडम एग्जामेंट्री में
दो दिन वहाँ शुरू होते हैं और ये टिप्स बता दूँ टूर्नामेंट में जाली उसको कैसा पहन कर रख ले सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं अपने अंदर के पहले बेसिक कमजोरियों को दूर नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर परवीन सुबह में नींद में से उठते हैं, उनके मम्मी बोले बेटा हम नलका पानी आ रहा है जा जाएंगे अपना कौड़ी पानी भर ले, पीने का तो बंद हो जाता है। फिर उन्होंने गुस्से से उठ के नींद में उठ के एक आया मेरे को मिल गया तो मिट्टी का घड़ा ले जाके नल के नीचे जोर से रखते नल ऑन कर दिया, घड़ा भरा ही नहीं, बाजू वाले आ रहे हैं मकीडाम भर लेके जा रहे हैं, मैं आराम का घड़ा ही नहीं भरा, क्या तो भी हो आप उनको उठा के देखते कुछ कुछ रात को लेता है घड़ा कब भरता हो अगर इन्होंने देखे तो उसके नीचे थोड़ी सीट लगा के उसको पैच लगा देते भरे तो मर जाता बर्तन। तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप एक काम से सुन के दूसरे काम से निकाल दे रहे हैं बोले तो उम्र भर आपके जहन में कुछ भी नहीं रहता, खाली घड़ा देता खराब खड़ा घड़ा उसमें कुछ भी नहीं रहता, वैसे आपके जहन में कुछ नहीं रहता। इसकी वजह क्या है बोले तो आप कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तवज्जो के साथ नहीं सुन रहे। इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे इधर देखिए बोल के कराते रहते हैं आखिरी की बेंचेस इधर दोनों दोस्त से चीफ चिख के पढ़ाते हैं सारा अपना हल्ला अपना खुश कर लेते हैं उधर पीछे चीफ चिख के पता कर लेते रहते क्या फ़ायदा होगा। ऐसा होता क्लास के अंदर बैच में बैठने वाले तवज्जो नहीं देते, खाली सामने के एक पाँच छः बच्चे अब टीचर भी देख लेता हूँ कितना बोले तो मैंने सुनूँगा छोड़ देते आगे बढ़ते रहते। तो हम क्या है क्लासेस के अंदर बॉडी प्रेजेंट और माइंड प्रेजेंट अपने आपने क्या होता मन क्लास में जो पढ़ा रहे एक पढ़ाए तो एक सुन दे एक लतीफा हो तुम लतीफा हो जो एक स्कूल में सर पढ़ा रहे थे कुतुब मीनार के तालुक से मालूम है कुतुब मीनार दिल्ली में कुतुब मीनार है तो उसके तालुक से पढ़ा रहे थे बच्चों दिल्ली में कुतुब मीनार है जो कुतुब मीनार ने बनाया इसकी लंबाई इतनी है उसकी तारीख बयान करते हैं हर थोड़ी देर को बने थे बच्चों दिल्ली में कुतुब मीनार है ऐसे बोले थे हर थोड़ी देर को बच्चे अच्छा याद रखना उसके बाद सवाल आने वाला था क्या बोले तो दिल्ली कुतुब मीनार कहाँ है बोले तो बच्चे लिखना कुतुब मीनार दिल्ली में तो हर थोड़ी देर को बने थे बच्चों में अभी आपको बता रहा था दिल्ली में कुतुब मीनार है एक बच्चा उठ रहा था सो रहा था जब देखो सोते रहते बोलो अभी मैं क्या बोला दिल्ली में कुत्ता बीमार है सो रहे थे बराबर नहीं सुने बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट है तो ऐसे होता एक पढ़ाते एक सुन लेते तो इसलिए आप बिल्कुल एक्टिव क्लास में रहना मरीजों के साथ बीमारों के जैसा नहीं एक्टिव कब के जैसा एक्टिव रात में टीवी ऑन करते 4 बजे आप टीवी ऑन करते सीरियल वो हमारी रजनीकांत ऐसा बढ़ते देख लेते आपकी निगाहें स्क्रीन से हटती नहीं आपके मम्मी बोले बेटा जरा परवीन जरा चाहे नाम आपको पर्टिकुलरली नहीं बोलो बेटा एक एग्जाम्पल दे जरा चाय बना के ला मान ये खत्म कर तक नहीं उठती CID सीरियल आ रहा सोहेल बैठ के देख रहे सोहेल के मम्मी बोले जरा दूध खत्म हो गया बेटा ला तो थोड़ी देर ठहरा मैं ये खत्म होने के बाद जा ये हमारी दिलचस्पी इसको इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। सेम सोहेल क्या करे मैथ की क्लास चल रही उधर से उनके और एक दोस्त जमील शकील कोई जो भी उनके इशारे कर ले रहे उधर सोहेल फॉर उनके साथ जाओ इतनी इंटरेस्टेड क्लास छोड़ देंगे इंपॉर्टेंट क्लास छोड़ देंगे निकल जाओ क्यों आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा इंटरेस्ट नहीं आ रहा फिल्मों को सीरियल्स को मुख्तलिफ जो है ना प्रोग्राम्स को इतना अट्रैक्टिव बना गया है कि वो बैठ के जो है वहाँ से उतना तबियत नहीं करता एजुकेशन में इतना टफ रखे हैं उसको अट्रैक्टिव नहीं बनाए अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं NCERT SCERT के जो है जो बहुत ही ऊंचे उदों पर हैं वो लोग और कर रहे हैं कि बच्चों को जो है अट्रैक्टिव एजुकेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना है इसके लिए डिजिटल क्लासेस शुरू करें आप जो है बैठ के जैसा आपको स्क्रीन में देख के जहन में रखने की आदत हो रही ना चलिए इनको भी जो अपना डिजिटल बना दी गया बच्चों को उनके मुख्तलिफ तेलंगाना के तकरीबन हर स्कूल में डिजिटल क्लास शायद यहाँ पे भी होंगी प्रोजेक्टर के ऊपर आपको जो है ना एक कुलिया बता दिया न्यूटन का कुलिया एक साल तक बराबर पढ़ते रहे उसको 4 मरतबा क्लास में समझाए 2 मरतबा घर में पढ़े उसके बावजूद आपको न्यूटन का कुलिया जहन में नहीं बढ़ रहा 1 मरतबा आपको स्क्रीन पर बता दिए कि न्यूटन का कुलिया तजासुर क्या है आप उसकी मूवी देखें तो उम्र भर जाता तो इसलिए अब आ रहा हो तो आपको जो समझ के अंदर इंटरेस्ट पैदा जरूर होगा इंशाल्लाह। तो बच्चों हमको हमारा जो टारगेट है उसको रीच करना है तो खाली छोटी मोटी मेहनत से काम चलने वाला नहीं है अभी जो एक्शन हम करें बिल्कुल वो एक्शन में हमको मेहनत करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे
मैथ में हम हमेशा फेल हो रहे फेल हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना, क्या होना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको। इंटरेस्ट के साथ साथ क्या पढ़ना इतना बड़ा है, कैसा जोशना हमारे जस्ट करना, कैसा ग्रैस करना, कैसा हजम करना, तो उसके लिए अगर आप मैथ को आसान होना चाह रहे हैं, उसको आपको आसान सब्जेक्ट लिखना अगर चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, गणित हर सब हर चैप्टर के हर सबक के पहले या बाद में उसके फार्मूले जाबते हैं, वो पूरे जाबते आप क्या करेंगे, सीख लेंगे, याद करेंगे नहीं करेंगे, याद नहीं करना है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, आऊंगा उस तरफ आऊंगा। याद करने का दौर पुराना है, समझ के पढ़ना है, उसको जहन में महसूस कर लेना है। आपको साइन 90 इज इक्वल टू 1 बोले तो हाँ, साइन 90 इज इक्वल टू 1 1 क्यों 1 नहीं हुआ ना, नहीं आप शो आप प्रूव करना 1 क्यों हुई, रूट 3 बाई 2 क्यों नहीं, 0 क्यों नहीं, 1 बाई रूट 2 क्यों नहीं, 1 इज क्यों, आप उसको प्रूव करके बताना, तो नहीं बोलते पुनः बोलिए हम सुन लिए थोड़े दिन में भूल जाते। आप तो 9 में याद करे तो है अब याद है, 8 में याद करे तो सवाल आता याद है क्या नहीं है, क्यों याद करने से भूल गए। और एजुकेशन में सबसे मुश्किल काम याद करना और सबसे आसान काम समझना है, क्यों याद करना इतनी मुश्किल से याद हो रहा लेकिन थोड़े दिन में भूल जा रहा है। आपको जो है ना 6 साल पहले आप 6th क्लास में या 4 साल पहले 6th क्लास में थे, जब यहाँ से आपको ले गया विजयवाड़ा या नगर जोना सागर ले जाके लाए, डैम बता के लाए, स्कूल से लेके गया, सुबह 5 बजे या सुबह 5 बजे से पहले निकले, जाके वापस आए तक शाम के 6-7 बज गए। 6 साल पहले की बात करूँ या 4 साल पहले की बात करूँ, अब आपसे पूछा गया बेटे आप लोग मैं मतलब टूर पे गए थे नहीं नागर जोना सागर, चलो उसमें क्या क्या हुआ जरा बोल सकते हैं क्या बोले, तो आप यहाँ से बस में बस की सीढ़ी चढ़ने से लेकर पूरा घूम के वापिस आने तक की 1 घंटे तक स्पीच सुनाएंगे, आप सफरिंग सुनाएंगे, कौन कौन से कपड़े पहनने गए थे, कौन से टिफिन कौन लाए थे, कोफ्ते कौन लाए थे, पराठे कौन लाए थे, बिरयानी कौन लाए थे, कौन लड़ लिए थे, किसको सर थापड़ मारे थे, पूरा पूरा आपको जहन में है। क्यों 8 दिन पहले पढ़ाए थे फिजिक्स, मखनाती से मैदान से क्या मुराद है, मखनाती से मैदान के खुशी याद वो सब समझाए, 8 दिन पहले पढ़े उसमें से 1 दिन लफ्ज याद नहीं है, 6 साल पहले टूर में जाके आए थे पिकनिक में जाके तो पूरा याद है। वजह ये है कि आप उसके अंदर आपकी मर्जी से गए थे, आप बिल्डिंग ले गए थे, नहीं ले जाते बोले तो जबरदस्ती रो रो के, वो भी फ्री नहीं, लेकिन कुछ 600 रुपये लग रहे हैं, मम्मी से अब्बा से आपके लड़ के 600 रुपये ला के जमा करके गए थे, इसलिए कि उसमें आपकी मर्जी शामिल थी, उसमें आपकी मर्जी शामिल थी, इसलिए वो काम आपको जो है ना पसंद के साथ गए, आपने जो है ना खुशी के साथ गए, इसलिए वो आपको अक्सर जहन में ये जबरदस्ती आगे बढ़ रहे हैं। कई इसमें से तय कर लिए होंगे इनके बाद करना क्या है, हमारे एमए पर शादी कर देते हैं हमारे, हमको आगे पढ़ना ही नहीं है, कोई गोल हमारा सेट है इसमें ना, कोई हम तय करेंगे हम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लायर बनना है, लेक्चरर बनना है, टीचर बनना है, सब कुछ भी डिसाइड नहीं करे, तो इसलिए हम उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। तो सबसे पहले आपकी मर्जी शामिल हो, टीचर बहुत डेडिकेटेड है, बहुत मेहनत करें आप लोगों के पीछे, आपके पेरेंट्स भी आपको जो बहुत तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन आप खुद जो नहीं चाह रहे हैं, आपकी मर्जी नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या हो सोहेल के पेट में बहुत तरह तरह सोहेल के बड़े को दवा खिला दी, क्या सोहेल के मैथ्स के टीचर है बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही, बोलते सोहेल के मैथ्स के टीचर उनकी दवा खा दी, कम होता उनके पेट में जरा कम होता नहीं होता ना, पहले जिसको पेट में जरा था उन्हें दवा खाना, उनको सपोर्ट करेंगे, दवा ला के देंगे, उनको जो है ना लिटाएंगे, उनको जो है ना कुछ कहा जरा दे रहा था मालिश करें, उससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते, दवा तो उनको खाना पड़ता, इसलिए सबसे मेन रोल अच्छे रिजल्ट के अंदर अच्छे जीपीए के अंदर पहले आप लोगों का किसका है, आप लोगों का, उसके बाद आपके टीचर्स का, उसके बाद आपके पेरेंट्स का, ये तीनों मिलके अगर ये ऐसा ट्राइंगल है तीनों मिलके मेहनत करें तो स्कूल का रिजल्ट 100% और 9.8, 9.5, 10 GPA तक कई बच्चे रहेंगे, अगर उसमें एक भी कमजोर पड़ेगा तो आपका रिजल्ट वो नहीं रहता जो आप एक्सपेक्ट करें। मिसाल के तौर पर आप भी एक्टिव हैं, आपके टीचर भी माशाल्लाह बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, सोहेल के वाली साहब क्या करें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके पास वो नहीं होगा, सोहेल के वाली साहब के पास एक पान शॉप है, एक किराना दुकान है, सोहेल तय कर लिया आज लेक्चर सुनने के बाद मेरे को अब एग्जाम की डेट तक एक दिन आपका नहीं होना है, मैं 10 बाई 10 जीपीए ला रहा हूँ, बल्कि जो तय कर लिया मेहनत करना होगा,
आठ दिन नहीं हुआ, अच्छी मेहनत कर रहे थे, आठ दिन के बाद इनके वाले साहब को हैदराबाद जाना पड़ रहा, जाना पड़ रहा। तो क्या बोले वो सोहेल, तू सोहेल दो दिन दुकान संभाल लो, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे वो साहब को कुछ भी नहीं करते, खत्म। उनका जो टारगेट सेट कर रहे थे, उनका जो खाब पूरा था, उनके वाले साहब को खत्म। तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए कि ये हमारा बोर्ड एग्जाम है, इस साल हम जो इतना हमको झाड़ू पोछा हड्डी धोना बर्तन धोना कपड़े धोना, इससे हमारे को नजात दे दीजिए, छुटकारा दे दीजिए, आज़ादी दे दीजिए, हम नहीं करते। हमारे छोटे बहनों से लो या हमसे बड़े जो घर में पूरा पढ़ लेने के बाद बैठे हो उनसे लो कि एक साल छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ता, मैं आपको जो अपना लंच करने के लिए आप दुकान बंद करके जाओ, मैं स्कूल छोड़ के नहीं आ सकता, ऐसा तय करिए। तो देखिए क्या कर रहे हो। और अब हम क्या कर अक्सर क्या करते हैं, मैं खुद ऐसे बोलता था एज ए टीचर, मैं बोलता था बच्चों को क्या मार्क्स लाएंगे आप, किसी को मैथ्स में जो है 32 आए सुनो तो उसके सामने रिमार्क में मन इतना था डू हार्ड वर्क, सख्त मेहनत की ज़रूरत है, सख्त मेहनत की ज़रूरत है लिखता था। आप टेंथ के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना है, क्या करेंगे आप लोग, सख्त मेहनत करेंगे। कितने लोग सख्त मेहनत करेंगे, हाथ उठाओ, आधा नीचे कर लो। सख्त मेहनत नहीं करना है हमारे, सख्त मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। हार्डवर्क का दौर गया, स्मार्ट वर्क की जरूरत, हार्डवर्क की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क हार्डवर्क में तो हाथ पैरों से जो है कोई चीज़ उठाना करना दिमाग की जरूरत। क्या है, बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, अब 15 अगस्त के तैयारियां चल रहे हैं, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा, लिहाजा टेंथ के मोटे हट्टे कट्टे चार पाँच बच्चों को मुझे हटा रहे हटाओ। तो चार और पाँच जो ऐसा पसीना टपका के उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फीट हटाए 10-15 मिनट उसके पीछे मेहनत करें, लेकिन दुबला पतला सोहेल देखा है कर रहे होगा। अरे हम लोग सिक्स क्लास में पढ़े थे सादा मशीनों का इस्तेमाल, उनको जाहिर याद आ गया सिक्स क्लास में साइंस के टीचर पढ़ाए थे कि हार्ड वर्क को इजी कैसे कर सकते हो, बोलिए वो पत्थर को हटाने कैसे उसके जहन में तक की बातें बहुत स्टोर होने से गए। बड़ा सफल ने घड़े को बुला के क्या करा, पत्थर के नीचे ऐसा लगा, अरे हमारा तो चारों महीना 15 मिनट जो करे तो 1 मिनट के अंदर पत्थर को हटा, ये स्मार्ट वर्क। वो जो करे उसमें कोई शक नहीं पसीना टपका है, लेकिन हार्ड वर्क करे मगर उससे उतना फायदा नहीं हुआ। स्मार्ट वर्क जहन से सोच के उसको नहीं ऐसा नहीं ऐसा किया जा सकता है, आसान हो सकता है। तो उनके 10 मिनट का काम एक अकेला 1 मिनट में कर दिया, सेकंड्स में कर दिया। तो ऐसा हमको आपके सिलेबस को सामने रखते हुए इनोवेटिव आइडियाज उसके ऊपर जो है सोचना चाहिए, उसको हर डायरेक्शन में हर एंगल से सोचना चाहिए उसको। ये बच्चों के अंदर बल्कि इंसान के अंदर फितरतन है ये चीज़, हर मैदान में करते हैं हम लोग। इत्तेफाक ये है कि हम एजुकेशन के अंदर ये कोशिश नहीं करते। एक कारपेंटर है, कारपेंटर कुछ काम कर रहा, वो लकड़ी सीधा नहीं बैठ रही, तो ना सोचता हूँ नहीं कि ऐसा नहीं बैठ रही तो उसको ऐसा कैसा करना है, इसको और कितना छिलना, उसको जो है ना ईजी करने के लिए क्या क्या टेक्निक हो सकते पूरा क्या करता। एक वेल्डर है, वेल्डिंग मारते जैसा निकलते जा रही, मारते जैसा निकलते जा रही, तो अपने सोचता है इसको क्या करना है, इंदिरा नहीं जरा पैदा चल पड़ा जरा इसको दबा के पकड़ लो, शिकंजे लगा के क्या तो भी करके उसको वेल्डिंग करके थोड़ी देर जो है फैल के लग गया, तो नहीं हो रहा उसे ठीक नहीं देता ना, गिरा तो देना है। तो उन्हें मुख्तलिफ आइडियाज उसके ऊपर अप्लाई करके तू कर देता, तो हमको समझ में नहीं आता, हम मायूस हो जाते। लेकिन ये चीज़ हर इंसान के अंदर है। मैं बताता हूँ आपको, आप लोग माशाल्लाह बेंचेस पे बैठे हुए हैं, तेलंगाना में बच्चे 10th क्लास से भी नीचे बैठ के पढ़ रहे थे पिछले 2 साल पहले। तो हमारे ट्रस्ट के जब वॉलंटियर्स उसके ट्रस्ट के स्कूलों में विजिट करें देखे 10th क्लास के बच्चे नीचे बैठ रहे, तो हम लोग तय करेंगे पूरे 100 स्कूल में हमारी सपोर्ट है, 100 स्कूल में हम वन डेस्क देंगे, इससे भी अच्छे स्टैंडर्ड डेस्क हम प्रोवाइड करें, वन डेस्क देंगे। उन्होंने तय हुआ अलहमदिल्ला पूरे 100 स्कूलों में हम बच्चे नीचे नहीं बैठे हुए उर्दू मीडियम के, पूरे बैठे हमारे ट्रस्ट की तरफ से प्रोवाइड किए। तो बताना ये मतलब है उसे जब ये डेस्क ये वन डेस्क एक स्कूल का पहुँचे तो मैं स्कूल के सामने बेचेस दे तो चले गया था हमें, तो 10th क्लास के बच्चों को बोला बेटे आप लोग आज से नीचे नहीं बढ़ना, जाओ जाके ला लो, बाहर ट्रक खड़ा हुआ, खुशी खुशी भाग लेते 10th क्लास के बच्चे के ला के जो है ना फिर डोर के पास लाते अंदर नहीं आएंगे, बड़ी है डोर छोटा, तो लोग कितनी खुशी से गए थे बेचा इतने दिन के बाद मिल रहे न्यारे नाम के नहीं छोड़े उसको फिक्स थे वो नटवर्ड स्कूल खोल के नहीं थे वो
तो उन्होंने छोड़ने दिया, बल्कि क्या करे नीचे चलाने की कोशिश करे, चारों मीटर ऊपर उठा रहे, ऊपर उठा रहे, बल्कि ऊपर चलाने की कोशिश करे, जबकि डायमेंशन बराबर रहते, ऊपर से भी उठता जाता, नीचे से भी उठता जाता, उसको छोड़े नहीं, अरे पहले ये हिस्सा ला ली, अच्छा गोल बनाते हुए दूसरे हिस्से को ला लिए, सक्सेस हो गए, एक बेंच लाने का आइडिया मिला, उठता है छोड़ने दिया उसको, तो मतलब हम अगर कोई मुश्किल सवाल समझ में नहीं आ रहा उसके ऊपर गौर करना। आजकल इतना इतना मटेरियल है YouTube के अंदर, आप लोग यूट्यूब में मैं समझता हूँ हर एक को मालूम है, व्हाट्सएप कितनों को मालूम है, हाथ उठाइए, देखो पूरा मालूम है, क्या बात, तो मतलब ये कि स्मार्टफोन हर घर में आ गया है, उसको स्मार्ट टाइम हुआ, बहुत होशियार फोन है ये, आज से 10 साल पहले का जो फोन था कीपैड बटन दबा के सिर्फ दो काम करता था, हमें किसी को बात करना या मैसेज करना, आज जो स्मार्टफोन है बहुत सारे काम कंप्यूटर का काम कर रहा है, सेकंड्स के अंदर कितने की दो के जो है व्हाट्सएप पर फोटो डाल देते हैं, उसको जो है शेयर करते हैं, ट्विटर पर शेयर करते हैं, फेसबुक को जो है यूज करते हैं, लेकिन अफसोस हम एजुकेशन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप आपके घरों में स्मार्टफोन है तो उसमें व्हाट्सएप देखने की बजाय, अब फेसबुक इस्तेमाल करने की बजाय यूट्यूब पे जाके इजी टिप्स फॉर मैथमेटिक्स 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक पर टाइप करके इंटर मारिए, देखिए वीडियो सुझा दे कितने की चैप्टर के साथ फलान चैप्टर के अंदर इसको जो है क्या आइडिया हो सकते हैं, इसको ईजी कैसे जो है समझ में आ सकता है वही वीडियो से उसको, और ये वीडियो को तेलंगाना में जो है इस्तेमाल कर रहे हैं स्क्रीन पर बता रहे हैं बच्चों को अच्छे समझ में भी आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको कि ईजी कैसे जो है अभी ट्रिग्नोमेट्री दो दिनों में शुरू हो गए, आप लोगों के जहन में ताला ताला है कि वैल्यूज को याद करने में, वैल्यूज को समझ के जहन में रखने में कितना फर्क होता है। अगर आप मैं बोलूँ परविंदर 38 का पहाड़ा सुनो परेशान हो गए, 38 ना परेशान हो गए ना, याद होते परेशान हो गए ना, 38 का पहाड़ा जरूरत भी नहीं पड़ती, और 10 साल से स्कूल में पढ़ लेता हूँ हमारे को अभी 20 तक पहाड़ याद नहीं, 38 का पूछ रहे कितना को याद है इसमें 20 तक के पहाड़ है, 20 तक के इसको 5-6 हाथ उड़ रहे हैं, तो मैं उसमें आइडिया होता है कि किसी टेबल को कैसा जो है ना फट खोल के लिख सकते हैं 38 का क्या बोलते हैं 2 डिजिट्स के अंदर 10 से लेकर 99 तक कोई जो भी पहाड़े को आप 1 मिनट से कम भी लिख सकते, ना उसको आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ना पेन पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, आप जो है ना खाली बता रहा हूँ मैं आपको हम उसके ऊपर गौर नहीं करते, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे आपको। अच्छा 38 वाले तो 3 और 8 3 का पहाड़ा तो मालूम है कितना हूँ, पूरी क्लास को 3 का पहाड़ा नहीं बोलूँ मैं, बचा हुआ 6 24 और 6 20 बचा हुआ 6 27 और 7 34 बचा हुआ 2 30 और 8 38 बचा हुआ 0 आप ये किससे भी चेक कर लीजिए 38 का पहाड़ा पक्का है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप पूरे 99 तक। तो ऐसे आइडियाज खाली ये टेबल्स के लिए नहीं है, अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज के लिए आपको साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा दो मालूम होंगे, तो बस उससे क्या मालूम होता है अपने को साइन में कॉस टाइम, साइन कॉस टाइम मालूम होगा, उसका इनवर्स होता अपोजिट तो उसमें हम साइन और कॉस को कैसा जो है ना ध्यान में रख लेना है, तो ये एक वीडियो देखा हमने, उसमें ये बताया उन्होंने कि ये वैल्यूज को ध्यान में रखना बाएं हाथ का खेल है,
कोई चीज आसान है तो क्या होता है, ये होता है जो तब पर एग्जाम क्या होता है, बाएं हाथ का खेल है बोलते सुने कभी ऐसा किसी को लोगों को बोलते हैं बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, मैं बता रहा हूँ ये बाया हाथ सीधे हाथ उल्टा कर तो बाया हाथ है तुम्हें बता रहा था साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा ये दो को वैल्यूज को कैसा ध्यान में रख सकते हैं, देखिए जो वैल्यूज थे हमारे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमको 90 60 45 गुड प्रेशर पूरे एंड में है वो जी का कॉस थीटा में 90 तो पर्सनालिटी के हिसाब से ये वैल्यूज में हम क्या करेंगे, ये सुन में मोटा है ना मोटा इसको 90 डिग्री देंगे, इसको 60 देंगे, अब इसको 45 अब क्या करेंगे साइन को हम ये साइन के लिए एक एरो डालेंगे लेफ्ट से राइट साइड अंगूठे से तनुंगली की तरफ और पास को दे देंगे हम तनुंगली से अंगूठे की तरफ। नाइन्थ में भी पढ़े आप ये बेसिक इसका फार्मूला रूट एक्स बाई टू को इस्तेमाल करते हुए इसके वैल्यूज अब आपको साइन नाइन्टी में नाइन्टी अंगूठे पर साइन को राइट साइड जाना है अंगूठे के बाद कितने उंगलियां बचे हुए हैं चार कम लोगों को शेड्यूल भी काम करने देने और भी काम करने रहते हैं चार तो चार है तो रूट फोर बाई टू क्या कह रहे सर दो चार का जजर दो दो बटे दो दो एक दम दो दो एक बटे एक बोले तो साइन 90 की वैल्यू एक बार 60 की वैल्यू करेंगे साइन 60 के बाद कितने रूट थ्री बाई टू तो मेरा तो समझ जाओ रूट थ्री बाई टू से 45 दो बचे हुए हैं रूट टू बाई टू या 1/√2 ये 1/√2 कैसा है कौन बोल सकते हैं रूट टू बाई टू ए की बात है 1/√2 और रूट टू से स्क्वायर को लेंगे और मतलब नुमा को मल्टीप्लाई करें जरा दिए तो कट के बच जाता है 1/√2 चलिए 30 साइन 30 बोले तो एक बचा हुआ है जदर एक बटे दो बोले तो एक का जदर एक बटे दो जीरो जीरो की क्या वैल्यू है जीरो की बात कितने जीरो से रूट जीरो बाई टू बोले तो कितने उंगलियां बचे हुए अंगूठे के बाद रूट जीरो बाई टू बोले तो जीरो 90 का जीरो हो गया उसके बाद 60 ये 60 है एक बटे दो कहीं चार्ट है आप उनके बुक में निकाल के देखो सही करें लेकर बड़ा सही करें टाइम लेकर बिल्कुल चेक करें हम इसको आप बाद में कर लीजिए ये इसलिए तीन छोड़ देता हूँ कि आप अपने तौर पे करें तो फिर जहन में बढ़ जाता मैं खाली करा दिया छोड़ दिया बाकी के तीन कर लीजिए 45 30 0 अब नहीं रख दो मैं बात करना चाह रहा हूँ बाद में समझ में आ गए अगर आप 5 साल के बाद भी 10 साल के बाद भी आपको अगर कोई बोला साइन 90 इक्वल टू रूट थ्री बाई टू बोलते हैं रूट थ्री बाई टू करते अब भी बोल दूँ मैं बोल के अपने बाएं हाथ को देख लेंगे बट बड़ा बन हो रहा है अंगूठे के बाद चार उंगलियां बचे हुए हैं जैसा 4/2 2/2 मतलब एक जब तक जब बोलते किताब लेने की जरूरत है ना कहीं ढूंढने की जरूरत है बाएं हाथ को हमें तो बता देता हूँ तो ये आइडियाज हैं जो आप जहन में रख सकते हैं और कभी भी नहीं भूलते अब नहीं बल्कि रटे तो क्या होता है 8 दिन के बाद भूल जाते हैं ये जो चीज़ है एक मतलब आप प्रैक्टिस कर लो घर पे जाके इस हाथ की मदद से उसके बाद देखिए आप अब नहीं बल्कि आप बड़े हो गए आपकी शादियाँ हो गए आपका बच्चा अगर साइन 90 से मतलब रूट 3/2 बोलते फोन पढ़ा रहे तो ऐसा नहीं है ऐसा है
कितने दिन तक याद रख, तो ये समझना है इसको कितने दिन तक जहन में रख सकते हैं। आगे बात समझ में, तो ऐसे कई वीडियोस हमारे पास यूट्यूब में मौजूद है, समझा नहीं देते आपको टाइमिंग मालूम है कौन सा टाइम पर कौन सा सीरियल आता है, उसके हिसाब से सेट करके अपने जाकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर आप तवज्जो देंगे तो फिर आपके जहन खुलेगा, आप जो अपना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। तो अब ये तय करेंगे हम यहाँ से एक शेड्यूल को फॉलो करेंगे, वो शेड्यूल यात्रा साहब या मोहम्मद अली साहब ला के देंगे आपको, एकदम हम लोग बनाए हैं बच्चों के साइकोलॉजी को सामने रखते हुए कितना पढ़ना, एक बैठक पे एक मरतबा बैठे तो कितना पढ़ते हो, मैथ है तो वो कब पढ़ना, फिजिकल साइंस को कब पढ़ना, अदर सब्जेक्ट्स को कब पढ़ना, कितना पढ़ना, ये हम वो शेड्यूल के अंदर, वो शेड्यूल को कैसा फॉलो करना आप लोग बता दूँ, कैसा फॉलो करना स्ट्रिक्टली कैसा होता बता दूँ मैं। सोहेल रमजान शुरू होने से पहले की जुमा में अगर इतवार या फिर मंगल को पहला रोजा है तो जुम्मा के दिन मस्जिद में काढ़ा मारते मालूम है क्या रहता है उसमें, रोजे के डंडल उठा देना, तो आप लाके क्या करते हैं घर में अच्छी जगह पे लगा देते दीवार खाने में, कहीं तो भी कहीं तो आप रोजा रह गए तो पहला रोजा क्या टाइम पे है, 6:51 पर, 6:51 पे आपको रोजा छोड़ना है, 6:30 को छोड़ देते कितनी भी प्यार करते छोड़ते नहीं छोड़ते ना, कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, सहरी करना है 4:10 में सहरी खत्म, तो आप अल्लाह सुबह बहुत सर्दी हो रही है अल्लाह मियाँ मैं सुबह 7 सहरी कर दूँ ना, 7 सहरी करके 7 इफ्तार कर दूँ, अब बताए ना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बिल्कुल ऐसा फॉलो करते बोले तो मैं मेल करता हूँ आप ला के दे जाओ करेंगे ना इंशाल्लाह। एटलीस्ट 1 पढ़ना है फजर में, फजर से पहले 1 पहले उठना है, पूरे सोते पड़े हुए रहते घर में कोई डिस्टर्ब करने वाला रहता आप भी नींद में सोते फ्रेश माइंड रहते, ऐसे वक्त में मैथ आप ऐसे वक्त में मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, घर में सब बैठ के अपना टीवी देख रहे हैं, कोई बड़ा भाई बैठ के CID सीरियल देख रहा, छोटा भाई 10th क्लास का जाके बैठता हूँ, मैं मैथ कर सकता नहीं कर सकता, तो इसलिए फजर से पहले 1 मैथ में 1 भी क्या पढ़ना, 1 को सिस्टमेटिक बना लीजिए, ऐसे 1 खाली खिचड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ना, 1 में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट को 20 मिनट 15 मिनट 5 मिनट ये मिला के सब 60 मिनट, बस 20 के अंदर सिर्फ 1 आंसर को करो बड़ा जवाब 1, सेकेंड 20 में 2 शॉर्ट आंसर, थर्ड 15 में हर 5 में 1 मेरी शॉर्ट आंसर, 3 मेरी शॉर्ट आंसर, 5 में 5 आप इतना करना मुझे नहीं, आप समझा के अगर दोस्त ना के बोले कल से बैठना है कल क्या सोहेल बैठ गया क्या बाहर कर रहे हैं तुझे स्कूल दूसरे आ जाते पूरे समस्या नहीं उठना है कुछ भी हो जाए कॉन्सेंट्रेशन अपना डाइवर्ट नहीं होना है, हमारे ड्राइवर साहब को रास्ते में बोला मियाँ तुमको अगर पहाड़ों को देखना है तो गाड़ी साइड में रखते रहो, क्या पहाड़ है बाप बोल के देख के चला तो हम जो है दूसरी गाड़ी से चले भी जाते, तो कॉन्सेंट्रेशन जैसा व्हीकल आपको ड्राइव करते वक्त अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखना है, बिल्कुल इसी तरह आपके क्लास के अंदर आपके टीचर समझा रहे हैं कुछ भी हो रहा होगा बाहर आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होना है, इस बात का ख्याल रखिए आप। तो इसमें हम क्या करें 1 में कम से कम 1 मेरी शॉर्ट आंसर आप 5 आते हैं और सिस्टमेटिक होना, आप उठ के पढ़ने के लिए बैठे फजर में उठ गया चलो कल से शुरू करेंगे बोले मैथमेटिक्स निकाले नहीं समझ में आ रहा रवि देर में मायूस हो गए बाजू रख दिए फिजिकल साइंस निकाले उसमें से एक मैथमेटिक्स निकाले आवाज निकाले उसका एक चैप्टर निकाल के पढ़ने की कोशिश करें वो भी 5 में बोर हो गए बाजू रख दिए सोशल स्टडीज निकाले उसको भी उसमें से पढ़ने की कोशिश करें नहीं आप डब्बल की नजर सारे जहाँ से अच्छा रखने से पढ़ने को नहीं बोले कुछ नहीं पढ़े कुछ नहीं पढ़े बोलते सिस्टमेटिक नहीं बोलते, आप अगर बिरयानी बनाना चाहते तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है पहले टेबल पर रख लेते ना, उसमें नींबू होना है दही होना है हरा मसाला होना है गोश्त होना है चावल होना है दाल होना जो भी होना है वो रख लेते, उसको सिस्टमेटिक वही चीज़ें डालते हैं जो डब्बा हाथ को लगा जीरा भी डाल दिए इधर से निकाले साबुदाना डाले उधर से निकाले तो चने रखे हुए थे वो डाल दिए बिरयानी बोलते दीवानी बोलते, तो इसलिए हम स्टडी में सिस्टमेटिक करना एक सब्जेक्ट अगर तय कर रहे हैं आपको 60 मिनट एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे उसके बाद
थोड़े दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर जो डेवलपमेंट आएगा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर जो बुरे जवाबी पैदा होगी, वो आपको आने से हर दिन नए हो सकते हैं। तो इस शेड्यूल को आप स्पीडली फॉलो करिए और लागे देंगे तो आप बिल्कुल 10 बाय 10 की।